नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि छठ पूजा होता कैसे है और सभी कुछ को हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले दिन से। छठ पूजा का जो पहला दिन होता है वो खरना से स्टार्ट होता है और देख सकते हैं यहाँ खरना की तैयारी हो रही है। ठीक है, जो पहला दिन होता है उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे शायद दूध रखा हुआ है एक बर्तन में और कुछ मीठा गुड़ है और ये खीर बन रहा है। ठीक है, इसी खीर को चढ़ाया जाएगा छठ माता को। और अभी देख सकते हैं यहाँ सभी तैयारी हो चुका है और यहाँ पे रोटी बन रहा है। ठीक है, और यह ध्यान दीजिएगा जो चूल्हा है ना वो ईटा से बनता है, बालू नीचे रखा हुआ है और लकड़ी का यूज़ किया जाता है, सूखी लकड़ी जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। और ये सब बर्तन केवल छठ में यूज होते हैं, सभी जगह उपयोग नहीं किए जाते, केवल छठ में। और ये देख सकते हैं कि कुछ रोटी के ऊपर खीर है, केले के पत्ते पर रखा गया है जो कि छठ माता को चढ़ाया गया है सभी। ठीक है, ये प्रसाद है किया जाता है और यहाँ पे देखिए करा के सब छठ माता धूप जो होता है को ना वो सर ना आयल झुकाकर बा प्रणाम बोले कर तो रहे वो हैं। कर ले ठीक है, बा एक एक करके जितने भी सामने परिवार के जाओ मेंबर होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, सभी उनको प्रणाम करते हैं छठ माता को। और वैभव विशाल जाओ, अभी तुम नहीं किए है, नानी कह रही है नहीं किए थे। चलो ये दोनों देख फिर मेरे से दीदी के बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे जाएगा हैं। कि नहीं, भगवान को प्रणाम किया जाता है जा? नहीं कि प्रणाम करते हुए थोड़ा 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 उतना उतना और नहीं, ये देखिए, ये धूप थोड़ा धूप थोड़ा डाला जाता है, ऐसे ये जो नहीं, आग नीचे था ना ऐसे उसके करके ऊपर झुक धूप के, डाला जाता है। ऐसे करके ठीक ऐसे है, तो झुक एक एक के करके सभी डालो, फैमिली के जितने भी खड़ा मेंबर होके होते हैं नहीं सभी डाला डालते जाता हैं है, पहले दिन खरना वाले दिन। तभी तो अच्छा होगा। और इसे डालने से अच्छा होता है। और ये जो है मेरी दीदी है, दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल नया देखो चैनल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब तुम कीजिएगा। डालेगी, देखो अब देखिए, अब हम चलते हैं Day 2 मतलब शाम के घाट पर। और ये जो सीन आप देख रहे हैं घाट का नज़ारा है और यहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ था, तो वो मूर्ति का ही पूजा किया जाता है जिनको हम बोलते हैं छठ माता, इन्हीं का पूजा किया जाता है। और ये जो सामने आपको मंदिर दिखा वो सूर्य मंदिर है, मतलब सूर्य भगवान का, उनका भी पूजा किया जाता है। ठीक है, शाम में और सुबह में दो बार, दोनों टाइम हम घाट पर आएंगे, इसे हम घाट बोलते हैं, छठ घाट बोलते हैं। और यहाँ पे पूजा होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये मिट्टी का एक मूर्ति हम बनाते हैं छठ पूजा के एक दिन पहले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम बोलते हैं दौरा और सूप बोलते हैं। सूप में जितने भी फल होते हैं या जो भी छठ माता को चढ़ाया जाता है वो रखा जाता है। और अभी सब लोग जा रहे हैं छठ, ये इन सभी जो भी सूप थे उनको चढ़ाने। ठीक है, सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य का, यहाँ दोनों प्रकार के सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। और बहुत ही अच्छा माहौल होता है छठ पूजा के समय और देखने में भी काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है। ये देख सकते हैं, ये उनका पूजा, ये सूर्य भगवान को चढ़ाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि छठ पूजा में पानी तक भी नहीं पिया जाता है। और देखिए कितना मधुर ये संगीत है जो अभी आपके बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा आपको। और ये पीतल का सूप है, पहले वाला जो सूप आपने देखा वो लकड़ी का था और ये पीतल का सूप है। देखिए सामने बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोग, दो लोग आपको दिख रहे होंगे जो सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं।
ये 5 बार किया जाता है, पानी से लगाकर उसे उठाया जाता है 5 बार शायद। और एक मेला सा लग जाता है छठ पूजा के समय, और बिहार में, झारखंड में, यूपी के कुछ हिस्सों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और बाकी सब देश के अन्य हिस्सों में भी काफ़ी जगह इस पूजा को किया जाता है। बहुत ही मुश्किल पूजा है दोस्तों, मैं बता दूँ छठ पूजा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे शायद पूजा किया जाएगा छठ माता का। सबसे पहले उनको एक सिंदूर या टीका लगाया जा रहा है। और इस घाट को छोड़कर, इस घाट को छोड़कर हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सूर्य भगवान डूब ना जाए, मतलब जो शाम का सूरज होता है वो जब तक डूबेगा नहीं तब तक हम वहां से जाते नहीं। मम्मी। और ये देख सकते हैं पूजा हो रहा है, पूजा शुरुआत हो चुका है। नीचे जाओ, नीचे जाओ। और काफ़ी नियम से इस पूजा को किया जाता है, बहुत ही मुश्किल त्यौहार होता है, बहुत ही मुश्किल पूजा होता है छठ पूजा। और देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, शायद फल के जो 5 होते हैं, जैसे सूप है ना, 5 सूप होगा या 5 बर्तन में सूप होते हैं। केला, ऊख है, अलग अलग होते हैं, जैसे मिठाई रखा हुआ है वहाँ देख सकते हैं आदि होता है। तो ऊख मतलब गन्ना, आपने ऊख का मतलब समझा नहीं होगा, तो ऊख का मतलब गन्ना होता है। और ये ठेकुआ, आपको ठेकुआ दिख रहा होगा एक बर्तन में रखा हुआ, ठेकुआ खजूर, ठीक है, जो जो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना उसको हम ठेकुआ बोलते हैं, जो थोड़ा हार्ड होगा उसको हम बोलते हैं खजूर। ये छठ का फेमस प्रसाद है। और अभी फूल चढ़ाया जा रहा है, ये बॉल में क्या आया है दीदी? बॉल में? अच्छा घी आया है। बोलना मत, नहीं तो अपना बॉल लेने कल सुबह में जाएगा, कल सुबह में हम ले जाएंगे थोड़ी दूर तक अपने साथ। झोले में से फोनवा कोई ले लेगा ना। Thank you.
दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आई यकनी के आई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे खिंचाता उखनियों के खिंचाता सामने जो अभी चढ़ाया गया छठ माता को वो गन्ना था और बहुत ही अच्छा चीज़ इस पूजा में हाँ सबके और लगभग 3 दिनों का ये पूजा होता है। गाजर चना और काफी तरह के कुछ प्रसाद चढ़ाए हैं, केला वहाँ देख सकते हैं, सूखा नारियल है, अंगूर है। और ये अभी पूजा किया जा रहा है। कुछ लोगों की अगर कुछ मन्नत पूरी हो जाती है तो वो बाजा भी बजवाते हैं, मतलब उनकी कुछ इच्छा पूरा हो जाता है उसके बाद इस पूजा में। तो इस पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है बिहार झारखंड में और जहाँ पे भी ये पूजा किया जाता है, बहुत ही नियम से इस पूजा को किया जाता है। और ये देख सकते हैं सारी चढ़ाया जा रहा है छठ माता को। अब सभी लोग वेट कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सूरज भगवान कब डूबेंगे, उसके बाद ही
आज का दिन खत्म होगा दूसरा दिन। पहला दिन होता है खरना और दूसरा दिन शाम वाला घाट होता है और तीसरा दिन अभी हम देखेंगे आगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। और यहाँ देखिए न्यूज वाले भी रिकॉर्डिंग करने आए हैं क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं इस पूजा का महत्व बहुत ज्यादा ही होता है। और यहाँ देख सकते हैं सभी लोग धोन के लाना होगा, कितना अच्छा लग रहा है सभी लोग। और शायद अब लगता है कि सुबह का घाट है, ये शाम वाला ही घाट है सर अभी। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार जितने भी लोग पूरी धार्मिक गति के अनुसार पार करते हैं हमारा महीना उनकी स्कूल स्कूल की चतुर्थी का होता है। कभी कभी नौ बजे 28 दिन से भी महीने हो जाते हैं, तो हर महीने सूर्य अलग अलग रसों में तपते हैं और अब देखिए दोस्तों डे थ्री स्टार्ट हो चुका है, मतलब सुबह का घाट, ठीक है। और सुबह का घाट सूरज उगने से पहले, मतलब सूरज जब तक राइज नहीं होते, सन जब तक राइज नहीं होते उससे पहले हमें आ जाना है। और जैसे सन राइज हो जाएंगे उसके बाद पूजा होना स्टार्ट हो जाता है। सूरज उगने के बाद पहले हमें जाना है और सूरज उगने के साथ ही पूजा होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले कुछ बेसिक पूजा होता है वो करना होता है। ये कौन है? और ये सभी लोग शायद इंतजार कर रहे हैं सूरज के उगने का। अरे अच्छे से बैठो, गिर जा रहे हो। हाँ बेसिक पूजा हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है यहाँ पे। ये शायद गोल्ठा आप समझते होंगे, ऊपर से बनता है एक गोल्ठा और उसको जला के ये धुआं उत्पन्न होता है, उसमें धूप डाला जाता है। और शायद सूरज उग चुके हैं और ये सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं अभी छठ माता को। और ये देखिए सामने कितना अच्छा मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अर्घ देते हैं जब सूरज उगते हैं ना, तो उसके बाद अर्घ दिया जाता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया नहीं था, आपने शायद शाम वाले घाट में देखा होगा एक जगह अर्घ दिया जा रहा था, बट उस समय दूध या पानी से अर्घ नहीं दिया जा रहा था। अभी सुबह वाले घाट में देखिएगा आगे कि दूध या पानी से अर्घ दिया जाएगा। इससे हम बोलते हैं कोसिया, जो पीछे गन्ना का कुछ ट्रायंगल सा बना हुआ है उसे हम बोलते हैं कोसिया, ठीक है। उसे भी माना जाता है, 3 साल या 5 साल ऐसे कुछ माना जाता है, कुछ मन्नत होता है उसके लिए। 5 साल का या 3 साल का कोसिया होता है कि लगातार हम 5 साल छठ करेंगे। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं और सभी लोग शायद इंतजार कर रहे हैं अभी सूरज उगने का। अभी तक शायद सूरज उगे नहीं है, मतलब सन राइज नहीं हुए अभी तक। और जैसे सन राइज हो तुम लोग आ रहा है उसके बाद अर्घ देना स्टार्ट हो जाएगा। सही हो जाएगी, इनका शरीर भी योग हो जाएगा और सभी सूरज निकलिया नौकराबाद माँ हुई और अभी ना निकल बरन। उसी समय एक बिल्ली उन्होंने बताया। अभी सूरज उग चुके हैं, मतलब अर्घ स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि पानी के साथ दूध के साथ 5 बार अर्घ को दिया जाता है। सभी जितने भी फैमिली के मेंबर होंगे सभी एक एक करके सभी को अर्घ देना होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देख सकते हैं सभी लोग अभी अर्घ दे रहे हैं। और लाना दीदी, खत्म खत्म हो गए माँ। और गाय का दूध होना चाहिए, ठीक है। अब सभी लोग अर्घ होने के बाद सभी लोग अब शायद पूजा का समाप्ति होने वाला है और सभी लोग अब छठ माता को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं धूप,
अब इसे जलाया जाएगा। इस कोयला को जो इकट्ठा किया गया था उसे अब जलाया जाएगा और उसमें हम लोग धूप डालेंगे पूजा जब खत्म होता है उसके बाद। जितने भी फैमिली के मेंबर होंगे एक एक करके धूप डालेंगे और बाहर के लोग भी साथ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दोस्तों सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा पूजा है छठ पूजा, और अगर आपके घर होता होगा तो आपको भी बहुत मजा आता होगा इस पूजा में। और इस पूजा का मैं फिर से बताना चाहूंगा, बिहार झारखंड और यूपी और लगभग पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कुछ देर में सब धूप देना स्टार्ट करेंगे। धूप मतलब उस लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको आप देंगे इसमें। अभी आप देखिएगा आगे, अब शायद स्टार्ट हो चुका है। वो पॉलिथीन में आप देख रहे होंगे कि धूप है, उसे जितने भी मेंबर है घर के सब एक एक करके देने वाले, उससे जो जल रहा है ना जहां से धुआं निकल रहा है उसमें डालेंगे 5 बार। अब पूजा खत्म हो चुका है और सभी लोग जितने भी आमने से जो भी आसपास के लोग थे सभी लोग प्रसाद मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें सभी लोग प्रसाद मांगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मैंने बताया भी था शुरुआत में। पूजा खत्म हो चुका है, सभी लोग अब घर जा रहे हैं क्योंकि जैसे और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब पूजा खत्म होने के बाद सब सूर्य मंदिर में जाते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार कर दें। और दोस्तों मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और इसके बाद भी हमारा अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा।